आज का प्रातः क्लास है 9 जुलाई 1964। रिकॉर्ड चला है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, जब जब धर्म की ग्लानी होती है और फिर माया का परछाया पड़ता है। उस समय का ये गीत है। इस समय भारत में माया का परछाया है। तो कहते हैं जब जब परछाया पड़ता है तब तब मैं आता हूँ, रूप बदलता हूँ। ऐसे तो मेरा रूप ज्योति बिंदु है, और रूप तो सब बदलते हैं, सब आत्माएं ज्योति बिंदु हैं। जो भी आत्माएं आती हैं उनको यहां आकर के रूप बदलना ही है, अर्थात निराकार से आकर यहां साकार बनना ही है। कहते हैं अब रूप बदल करके आओ। बाप कहते हैं भारत पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी अपवित्र हो गया है। तो अपवित्र तो को अपवित्र को अपवित्र गृहस्थ धर्म बनाना ही है, और सन्यासियों का तो है ही निवृत्ति मार्ग। वे गृहस्थ धर्म घर बार छोड़ हद का सन्यास करते हैं, कहेंगे वो भी उनका ड्रामा में पार्ट है। जैसे सृष्टि में सब का पार्ट है, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र और सब धर्मों का भी पार्ट है। क्राइस्ट की आत्मा ने आकर धर्म स्थापन किया, ये भी आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से प्राय लोप हो गया है, तो फिर से स्थापन करना पड़े। बाप कहते हैं मैं देवता धर्म स्थापन करने के लिए आता हूं भारत में, क्योंकि भारत में ही धर्म प्राय लोप हो जाता है। हिंदू धर्म में फिर और धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको कहा जाता है धर्म ग्लानी। अभी तुम जानते हो कि बाप आया है, हाँ करके फिर से राजयोग सिखला रहे हैं। चित्रों में दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, बाप आकर सभी वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं। कोई ब्रह्मा के बुद्धि रूपी हाथ की बात नहीं है, और ऐसे भी नहीं है कि बाप कोई शास्त्र पढ़ते हैं। नहीं, और जो सन्यासी आदि हैं वो तो सभी पढ़ते हैं,
और ये तो पहले से ही नालिस फूल है, इनमें षष्ठ के आदि मध्यंत के चक्कर का नॉलेज है। आत्मा कहती है मैं आती हूँ शांत निराकारी देश से, वो है साइलेंस, फिर मूवी, फिर ये टाकी। टाकी बनने के लिए आर्गन्स चाहिए। गर्भ से बच्चा बाहर निकलते ही फिर पालना दे होती है। सभी बाप परम पिता परमात्मा को याद करते हैं कि भक्तों को भक्ति का फल देने के लिए आओ। अभी भक्ति मार्ग पूरा हो फिर ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध शुरू होनी है, तो जरूर बाप भक्ति की अंत में आवेगा। भक्ति का तो अंत कहेंगे सो कलयुग का अंत, कलयुग का अंत सो दुनिया का अंत, फिर कलयुग के बाद सतयुग को आना ही है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाए मनुष्य देवता बनाए रहा हूं, पतित दुनिया में तो देवताएं रह ही नहीं सकते, तो जरूर पतित दुनिया का विनाश और पावन दुनिया की स्थापना चाहिए। पतित दुनिया में अनेक धर्म और अनेक प्रकार के मनुष्य, सतयुग में तो जरूर थोड़े होने चाहिए। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। हाँ, भारत का कब विनाश नहीं होता है, देवी देवताओं का राज्य है, तो फिर और धर्म खंड रहते ही नहीं है, सब खलास हो जाते हैं। इसे साबित होता है कि और सब असत्य हैं, एक देवता धर्म ही सच्चा है। तो एक धर्म की स्थापना होती है और अनेक धर्मों का विनाश होना चाहिए। बाप कहते हैं मैं करणहार और करावनहार हूं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्राह्मण ही सुफिर देवता बन रहे हैं। बाप आकर शिक्षा देते हैं और देवी देवताएं रहते ही हैं स्वर्ग में। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म बतन में, स्वर्ग में फिर कहेंगे देवी देवताएं दैवी गुणों वाले मनुष्य। इन्हों को भक्ति भगवती भगवान भी नहीं कहना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म वतनवासी हैं, देव देव महादेव कहते हैं, परंतु इनको भी भगवान भगवती नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते है? शंकर पार्वती को भी भगवान भगवती क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि शंकर को भी याद में दिखाते हैं, तो याद करने वाला पुरुषार्थी हुआ या संपन्न भगवान हुआ, पुरुषार्थी है। वास्तव में शंकर का कोई धर्म नहीं है। अभी तो धर्म की स्थापना हो रही है, बाप आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं।
ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र धर्म में नहीं आते हैं। डीटी धर्म वालों को नीचे उतरना है, ये तो भारत के वर्ण है। विराट रूप में भी दिखाते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, परंतु ब्राह्मणों की चोटी नहीं दिखाते। ब्राह्मणों की चोटी भूल जाते हैं। और शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। वास्तव में ऊंचते ऊंचे हैं ब्राह्मण। बाप ब्राह्मण धर्म स्थापन कर रहे हैं तो ब्रह्मा मुख वंशावली हुआ ब्राह्मण धर्म। अभी तुम बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो, प्रजापिता ब्रह्मा ने अडॉप्ट किया है। शिव बाबा ब्रह्मा मुख से कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। प्रजापिता ब्रह्मा की तो जरूर मुख वंशावली होगी, उनकी कुख वंशावली हो नहीं सकती। मुख से ब्राह्मण धर्म स्थापन किया जाता है। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूं, तुम्हारे में प्रवेश नहीं करता हूं। नौ सात 64 की वाणी का दूसरा पेज। विष्णु व शंकर में तो नहीं आवेगा, हाँ प्रजापिता ब्रह्मा में यहां आना है। तो बाप समझाते हैं ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना कर रहा हूं। ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी बनते हैं, ज्ञान का तीसरा मिलता है जिसे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। देवताओं में ये नॉलेज नहीं रहती है, वहां तो प्रारब्ध है। पहले तुम 16 कला संपूर्ण फिर नीचे उतरते हो। अभी ये संगम युग कल्याणकारी युग है। कहें कि महाकल्याणकारी युग, और युग तो अकल्याणकारी होते हैं। क्यों? क्योंकि और युगों में उतरते जाते हैं। ये संगम युग में ही ऊंच कला होती है। सतयुग से त्रेता हुआ, वहां 2 कला कम हो गई, कहेंगे अकल्याण हुआ। फिर त्रेता से द्वापर और द्वापर से कलयुग में आते हैं, फिर अंत में बाप आकर सबको ऊपर चढ़ाते हैं। बच्चे कहते हैं हम आत्माओं ने 84 जन्म पूरे किए, परंतु सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं। कोई 80 कोई 70 भी लेते हैं, कम से कम कोई 1 जन्म भी लेते हैं। क्योंकि रही बची आत्माएं आ जाती हैं, जब ऊपर खाली हो जाता है तो फिर बाबा भी आए सबको ले जाते हैं। निराकारी दुनिया फिर बिवर जाती है। तो बाप को आना तो जरूर है, हरेक का अविनाशी पार्ट है। ये अविनाशी ड्रामा है तो पार्ट भी अविनाशी होता है।
परंतु ये ड्रामा जू मुआफिक टिक टिक करके चलता रहता है। सेकंड पास हुआ, ड्रामा नया शुरू हो जाता है। और यह पहला लपेटा जाता है, फिर तुम जाकर के प्रारब्ध पाते हो। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार बाप समझाते हैं, मुझे भारत खंड में आना पड़ता है। पड़ता है क्यों कहते हैं? हैं? हाँ हाँ, पढ़ता है ये मजबूरी क्यों कहते हैं? और खंडों के लिए पढ़ता है क्यों नहीं कहते? क्योंकि भारत ही सबसे जास्ती पतित बनता है, तो इसमें अदल बदल कुछ भी नहीं हो सकती। गाया जाता है बनी बनाई बन रही अब कछु बननी नाए, कोई भी अनहोनी चीज नहीं है, सब कुछ होनी ही होनी। कोई मर गया हम साक्षी होकर के देखते हैं, इस समय के लिए ही ये सब गाया जाता है। क्या अम्मा मरे तो हलवा खाऊं, बेफिकर होकर के फकोर में रहते हैं। अभी हम बेहद के बाप से बरसा ले रहे हैं, वो है ज्ञान ज्ञानेश्वर, हम मास्टर हो गए। हम ब्राह्मणों में ही ये सारा नॉलेज है, क्योंकि सुदर्शन चक्रधारी हम हैं। ये शंख ध्वनि ज्ञान हम ब्राह्मण बच्चे ही कर सकते हैं। ज्ञान से सदगति होती है, अज्ञान से दुर्गति होती आई है। सदगति करने के लिए मुझे आना पड़ता है। सभी का सदगति दाता, पतितों को पावन बनाने वाला मैं ही हूं। तुम जानते हो अभी ये दुनिया पावन बन रही है। पतित उनको कहा जाता है जो विकारों में जाते हैं। सन्यासी भी इसलिए घर बार छोड़ जाते हैं, परंतु वो तो कहते हैं नारी नरक का द्वार है। अगर नर न हो तो नारी नरक का द्वार कैसे बन सकती है? कन्या को तो कोई भी नरक का द्वार नहीं कह सकता, मेल के मिलने से ही नरक का द्वार बनते हैं। बाप कहते हैं अभी तो ये माताएं स्वर्ग का द्वार है, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना कर रही है। तो बाप माताओं को आकर के उठाते हैं। सन्यासियों को भी समझाना है, तुम मेल जब सगाई करते हो तब तो नरक का द्वार खुलता है। ड्रामा में ये निवृत्ति मार्ग का भी पार्ट है। अगर ये निवृत्ति मार्ग भारत में न होता तो भारत बहुत पतित बन जाता। ये देवताएं बाम मार्ग में जाते हैं तो फिर उन्हों को देवता तो नहीं कहा जाता, फिर वो हिंदू हो जाते हैं। बाबा सावरकर का मिसाल भी देते हैं, वो सावरकर भी बोला अपन तो इस समय दैत्य हैं, अभी तुम कहते हो हम तो ब्राह्मण हैं, देवता बन रहे हैं। तुम कोई को भी समझा सकते हो, ऐसे नहीं कि डॉक्टरी व सर्जरी आदि की नॉलेज छोड़ी जाती है, नहीं, शरीर निर्वाहार्थ सभी कुछ करना है। बैठ कर नहीं खाना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते ये पढ़ना है,
नालिश तो इन बच्चों को भट्टी में ले आई। पहले तो इन बच्चों को भट्टी में रहना था, गौशाला बननी थी। इन बातों को मनुष्य नहीं समझते हैं। गीता सुनाने वालों के पास हजारों मनुष्य जाते हैं, सत्य सत्य कह के चले जावेंगे, समझते कुछ भी नहीं है। बाबा ने समझाया है, ये वेद शास्त्र आदि सब गीता की रचना है, परंतु सिर्फ गीता पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं है। फायदा तो तब होता है जब बाप आकर के फिर से मनुष्य देवता पति से पावन बनाते हैं, तब गीता से पढ़ने से भी फायदा होता है। इस मृत्यु लोक का ये अंतिम जन्म है, मौत तो सबका सामने खड़ा है। ये मृत्यु लोक बदल करके अमर लोक होगा, सतयुग को अमर लोक कहा जाता है। वहां आदि मध्यंत दुख नहीं होगा, तुम काल पर जीत पहन लेते हो। वहां काल मृत्यु होता ही नहीं जो रोना पड़े, रोने का तो वहां नाम निशान नहीं रहता। बाप कहते हैं पहले तुम ही सुदर्शन चक्रधारी थे, 84 जन्म लेते सतो रजो तमो बने, ये पास तो करना ही है। 9764 की वाणी का तीसरा पेज। अभी जो पुरुषार्थ जितना कर पाए, तुम जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी स्थापन हो रही है, तुम्हारी नॉलेज तो नई है, नई दुनिया के लिए नॉलेज नई है। नया भारत, नया राज्य, नया युग हो जाता है, एवरीथिंग न्यू हो जाता है। तो वो तो बाप ही बनावेगा, पुराने मकान में सब कुछ फर्नीचर आदि पुराना ही होता है, नए घर में जरूर सब कुछ नया रखेंगे, पुराना रखे हैं तो शोभा नहीं पावे। तुमको विवाह नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। यहां तो देखो मनुष्य मरते कैसे हैं, ये दुख धाम है, अशांति धाम है। तब तो गाते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, परंतु समझते कुछ नहीं है। बाप कहते हैं साधु आदि का भी उद्धार करने के लिए मुझे आना पड़ता है, उद्धार करने के लिए आना पड़ता है माने ये भी पतित ठहरे। पतित दुनिया में सब पतित ही होंगे, सन्यासी आत्मा को पवित्र बनाते हैं, परंतु फिर भी उनको कोई शरीर तो पवित्र नहीं मिल सकता। जन्म बाई जन्म सन्यास करना पड़े, फिर भी शरीर तो पतित ही मिलता जाएगा। तुम थोड़े जन्म सन्यास करेंगे, नहीं नहीं तुम थोड़े जन्म, तुम थोड़े किसी जन्म में सन्यास करेंगे अथवा जन्म बाई जन्म सन्यास करेंगे? तुमको तो सन्यास नहीं करना पड़े, इसको सर्वोत्तम सन्यास कहा जाता है, बेहद का सन्यास। भूख तो मुफ्त में खाते हैं, देते कुछ भी नहीं है, फिर भी उनको पुनर्जन्म तो मिलता ही है। लड़ाई वालों का भी ये अंत मते सोगते हो जाता है। बेबी कहते हैं गीता में लिखा हुआ है युद्ध के मैदान में जो मरेगा तो स्वर्ग में जावेगा। अब स्वर्ग में तो तब जावेगा जब संगम युग हो, बाकी लड़ाई वाले तो सदा संस्कार ले जाते हैं, लड़ाई के ही संस्कार ले जाएंगे, फिर लड़ाई में चले जाते हैं।
जन्म भाई जन्म लड़ाई में जावेंगे, नहीं तो ऐसे वृद्धि कैसे होगी। बाबा मिलिट्री बाबों को भी समझाते हैं कि तुमको लड़ना तो है ही, देश के बचाव के लिए मरना है। परंतु शिव बाबा को याद करते तुम सर्विस करो तो तुम शिव बाबा के पास चले आवेंगे, वो फिर तुमको स्वर्ग में ले जावेंगे। इस ज्ञान का विनाश नहीं होता है, थोड़ा भी ज्ञान लेंगे तो स्वर्ग में जरूर आवेंगे। साधारण प्रजा भी बननी है, फर्स्ट क्लास प्रजा भी बननी है, सारी किंगडम स्थापन हो रही है। तो अब जो जितना पुरुषार्थ करे, बहुत वर्षा पाने आते हैं परंतु फिर हार भी खा लेते हैं। हार तो नहीं खाना चाहिए। बाप कहते हैं ये माया की बॉक्सिंग है तो बहुत खबरदार रहना है, बेहोश नहीं होना है। तूफान जब आते हैं तो बड़े बड़े झाड़ों को भी गिराए देते हैं, तो उनमें जो भी फूल और कलियां होती हैं सब गिर जाती हैं, मुरझा जाती हैं, गिर जाती हैं। तुमको माया रूपी विकार सताए नहीं सकता। कभी भी काम रूपी कर्मणा में नहीं आना चाहिए, उसका फिर विकर्म बन जाएगा। बाकी तूफान तो बहुत आवेंगे, ये तुम्हारी लड़ाई है, परंतु तुमको सर्वशक्तिवान उस्ताद मिला है। जीत पाने वालों पर तालियां बजाते हैं, कहते भी हैं इन पर देवताओं ने फूल बरसाए, कितनी जय जयकार हो जाती है। तुम बच्चों को तो पहले रुद्रमाला बनना है, बाकी फिर जो जितना याद करे। इसका मतलब और धर्म वाले जो हैं रुद्रमाला के अलावा वो जास्ती याद नहीं कर पाते हैं, और तुम जास्ती याद करते हो। अपन को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना, ये है तुम्हारी रूहानी यात्रा। तुम्हारी बुद्धि में है कि हमको तो बाबा के गले का हार बनना है, हैं? विष्णु के गले का हार नहीं बनना है, हैं? विष्णु के गले का हार नहीं बनना है, विजयमाला में नहीं पिरोए जावेंगे। पिरोए तो जावेंगे, लेकिन उससे भी पहले रुद्रमाला में पिरोए जावेंगे, अर्थात डायरेक्ट बाप के गले का हार बनेंगे। पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंचे से ऊंचे पद पाने का। तो रुद्रमाला है ऊंचते ऊंचे। जो सपूत बच्चे होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, स्कूल में जो अच्छा नंबर लेते हैं उनका अखबार में भी नाम पड़ता है। यहाँ भी अच्छे पुरुषार्थियों को माँ बाप देख बहुत खुश होते हैं। तो सबको बाप की याद दिलानी है, और आपस में एक दो को सावधान करना है, आगे चल करके बहुत समझते जावेंगे। ऐसे बहुत बच्चे कहते हैं कि हम आगे भी आते थे परंतु पहले हमको इतना समझ में नहीं आता था, अभी हमको अच्छी तरह समझ में आ गया है।
हाँ, अभी ज्ञान की बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती रहती है तो वृद्धि होती जाएगी। झाड़ की वृद्धि होती है ना, देरी से आने से थोड़ी। वृद्धि होगी कैसे? पिछाड़ी में आने वाले पुरानों से भी आगे चले जाते हैं, क्योंकि पॉइंट्स की ताकत बहुत मिलती है। दिन प्रतिदिन ज्ञान की पॉइंट्स गुह्यते गुह्य होती जाती है। यहां अपना शरीर वो बैठते हैं, जैसे रात को आत्मा थक करके यह शरीर हो जाती है तो ऑटोमेटिकली नींद आ जाती है। यहां समझाना होता है हम आत्मा हैं, बाप को याद करना है, ये हमारी रूहानी यात्रा है। बाप कहते हैं याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सुदर्शन चक्र फिर आते रहो और आप समान बनाते रहो, प्रजा और वारिस भी बनाते रहो। गृहस्थ धर्म में रहते रहते ही सब कुछ करना है। गवर्नमेंट भी 8 घंटा सर्विस लेती है, ये भी कहते हैं 8 घंटा अंत में सर्विस रूल बनना पड़ेगा। आप समान बनाते बनाते तुमको बहुत अच्छी खुशी रहेगी, क्योंकि तुम बहुत धनवान बनते हो। तुम्हारे पास अनगिनत धन हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। एक वाणी बीच में अधूरी रह गई थी, 30 जून 1964। जो भी सीखने वाले होते हैं वो सब कोई ना कोई से सीखे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं मोस्ट बिलीवड बनना, जितना बनेंगे उतना बाप का नाम बाला करेंगे, क्योंकि बाप है सबसे जास्ती मोस्ट बिलीवड। वो भगवान पढ़ा करके मोस्ट बिलीवड बनाते हैं और तुम बच्चों को मोस्ट बिलीवड बनना है। ऐसा बनो जो मुख से ज्ञान रतन ही निकलते रहे, तो मोस्ट स्वीट बनना है। कभी भी मुख से कड़वाहट निकलनी ही नहीं चाहिए। कराची में कोई थोड़ा भी क्रोध से बोलता था तो कहते थे इनमें भूत है, इस भूत को दूर बिठाए दो, नहीं तो औरों को भी इसका वाइब्रेशन लग जाएगा। इतनी जास्ती वहां खबरदारी रहती थी। कोई क्रोध करे तो सदैव किनारा कर लेना चाहिए, या तो फिर मुस्कराते रहना चाहिए। हम भूत को रिस्पॉन्ड ही क्यों देवें, इसलिए हम चुप रहते हैं। बहुत बहुत स्वीट बनना है। स्वीटेस्ट बाबा के बच्चे बने हो जानते हो। अभी हम बाबा के पास जा रहे हैं, बाबा बगैर कोई स्वीट बना ही नहीं सकता। वो बाबा अगर ना आए तो ये देवी देवताएं इतने स्वीट कैसे बने। ड्रामा में सबका अपना अपना पार्ट है। जो बिलीवड मोस्ट बनेंगे वो ही नंबर वन में जावेंगे। तो बाप को याद करना है। गायन है सिमर सिमर कल है कले सिमटे सब तन के। बाप कहते हैं मीठे बच्चे तुम 21 जन्म तक का भी रोग नहीं देखेंगे।
वहां तुम्हें कोई भी प्यादी नहीं लगेगी और त्रेता में भी बहुत अच्छे रहेंगे। द्वापर युग से थोड़ा रोग लगना शुरू हो जाता है। बाप कहते हैं बच्चे अभी बहुत मीठा बनो, भारत को भी स्वीट बनना है। बाबा का बर्थ प्लेस है भारत, भारत में ही आते हैं, इनको मगध देश कहते हैं। सिंध में मगरमच्छ होते हैं तो नाम ही मगध देश पड़ा है। सरस्वती भी वहां से निकली है, शिव बाबा भी वहां से आते हैं, ब्रह्मा भी वहां से निकला है। तुम जानते हो कि बाबा कहाँ आए हैं? बाबा की प्रवेशता हुई, ध्यान में चले जाते थे, समझते थे ये कोई जादूगर है। अच्छा अभी एक गीत सुनाओ। जैसे शास्त्रों की एक लाइन उठाई लेते हैं फिर कथा बैठ करते हैं उस लाइन पर, अभी हमारा शास्त्र देखो कैसा वंडरफुल है। बेहद की महफिल में आए हैं परंतु कोटों में कोई निकलते हैं। जो देवता धर्म वाले हैं उन्हों का ही सैंपलिंग लगता है। ये ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों धर्मों की स्थापना करते हैं। फिर द्वापर से और मैसेंजर आते रहते हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने के लिए। बच्चियां पुकारती हैं तो कब दिल्ली कब बंबई कब कानपुर में चले जाते हैं, रथ पर सवार होकर जाते हैं। बाबा कहते हैं ये नंदीगण है, मंदिरों में बैल दिखाते हैं, अब बैल पर थोड़े ही सवार होंगे। मुसलमानों में मोहम्मद का पटरा घोड़े पर दिखाते हैं, अब वो तो कोई घोड़े पर थोड़े ही आया है। ये तो ह्यूमन घोड़े की बात है, उन्होंने उसे हसीन का घोड़ा बना दिया है। और यहां फिर हुसैन का बैल बनाया है। तुम सब काले हो, एक मुसाफिर आकर के तुमको कितना हसीन गोरा बनाते हैं। साजन कहते हैं तुम सजनियों की ज्योत जगाए रहा हूं, हम सबको ले जाऊंगा, सिर्फ तुम मुझे याद करो। अच्छा नंबर वार तो सब हैं, एक जैसे तो सब कोई नहीं पढ़ते हैं। स्कूल में बहुत नापास हो जाते हैं, रिजल्ट कम निकलती है तो टीचर का नाम बदनाम हो जाता है। यहां उनकी रिजल्ट तो कब कम नहीं होगी, क्योंकि तुम जानते हो यहां बैकुंठ तो बन ही रहा है। अच्छा स्वीटेस्ट बाप दादा का मोस्ट बिलोड चिल्ड्रन के प्रति नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग ओम शांति।